ਸਾਰੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪਰਮ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਗੁਲਗੁਲੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਐਨ ਬੱਦਲਵਾਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬਣਾ ਲਓ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੌਂਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਲਗੁਲੇ ਜਾਂ ਮਾਲਪੂੜੇ ਬਣਾ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ नमक जो मिठे नाल मिलके तो बहुत वधिया जो टेस्ट है होर भी निखर के आउंदा अगे एक गिलास पानी लैके मैं एक गिलास पानी का टोपिए पतीले च पा के रख लिया सीगा गुड़ सी जिहड़ा छोटे छोटे पोर्शन दे विच मैं कट लिया कुट लिया कुट के इहनू आपां हुण इहनू मैल्ट करांगे इहदे विच इहदी कोई चासनी इस तरह नहीं बनाउणी भी एक तार दी होवे जां दो तार दी इहनू सिर्फ आपां मैल्ट ही करना है इहदे विच मतलब घोलना ही है कहण तों भाव अपना चंगी तरह हुण घुल चुके गैस की फ्लेम करांगे ऑफ ते इनू थोड़ा ठंडा होण देवांगे आपां अपने को अद्धा किलो आटा है उन्हू पा लांगे डोंगे दे विच विच जिहड़ा आपां पा लांगे जी बिलकुल टू पिंच ऑफ पावांगे आपां मिठा सोडा बेकिंग सोडा जिहनू कह दिंदे आपां थोड़ा टू पिंच ऑफ पा दांगे आपां नमक थोड़ी चम्मच डेढ़ क चम्मच दबारा पा देंगे अपना सौंफ इन पहले आप सुके चंगी तरह मिक्स कर लेंगे बेकिंग सोडा है नमक है हाथ में अच्छी तरह वाश कर ले सी कोलों अपना जिहड़ा गुड़ का घोल है थोड़ा ठंडा हो चुके हुण इन आप पुण के इहदे विच पावांगे गुड़ दी आपां कोई भी आइटम तैयार करिए जो आपां एक बारी डिजोल्व कर लैने पानी दे विच तां फिर आपां हमेशा पुण के फिर ही उहदा यूज करांगे क्योंकि वेखो पुणन दे नाल कोई ना कोई विच इंप्योरिटी हुंदी है तां उह निकल जांदी है इस कंसिस्टेंसी तक ले आंदा जिहड़ा अपना आटा गुड़ भी सारा लग चुका है थले बस दो तीन चम्मच दो की रह गया क्योंकि इहदे विच थले थोड़ा बहुत ही ज्यादा ही किरक जी आ जाती हुंदी है डस्ट कट्ठी हो जाती है थले जदों इह गिला हुंदा है तां मिट्टी जी फिर मैं थोड़ी जी नहीं पाउंदी हुंदी उह चीज हुण पहलां आपां जदों इह तैयार हो गया ता एक अद्धा गुलगुला पा के वेख लांगे अगर ता अपना बैटर सही है ता फिर वधिया गुलगुला बन के निकलू अगर जे ज्यादा गुड़ है ता चुई जे हो जू फिर आपां थोड़ा दो चम्मच आटा होर पा सकते हैं इहदे विच वैसे ता इह मेजरिंग हुंदी है बिलकुल एन परफेक्ट हुंदी है इक्वल आउंदा है मिठा भी ते आटा भी सरों का तेल पा के आप जो कढ़ाई च रखा कलक गया सी पूरी तरह फिर मैं एक बार गैस बंद करता सी थोड़ा टेंपरेचर है जो नॉर्मल हो जाए
क्योंकि बाले उबलते तेल दे विच थोड़ा जिहा पहला पानी का हाथ ला लिया, पानी का हाथ ला के फिर आपां इन्ना क बैटर ले लिया विच। इन्हां दी कोई शेप नहीं हुंदी गी, बहुत वधिया लगदे आ जदों बने। बाकी अज सुबह तो काफी बारिश हो रही सीगी, तां बारिश दे विच तां इहो जी चीज खाधी होर भी बहुत वधिया लगदी है। वैसे भी बदल होने की देर नहीं तो सिद्धू साहब कहेंगे कोई गुलगुले बना लो, कोई पकौड़े बना लो, कोई मालपूड़े बना लो, क्योंकि इन्हें मिठे का बहुत शौक है। बाकी फैमिली कहूगी नमकीन बना लो, ये कहेंगे नहीं मिठा बनाओ। इन्हें आप बाली मीडियम दूजा घट आंच से नहीं पकावांगे, क्योंकि घट आंच से पकाए होंगे तो यह जिहड़े हैगे तेल ज्यादा पी जाएंगे, जिहड़े कि ज्यादा ही हो जाएंगे हैवी हैवी तो अगे होंगे फ्राई होने करके। बैटर अपना बिलकुल सही होगा तो इस तरह के जिन्ना आप पाया होगा उस तो थोड़े जे फुल जाएंगे। अगर थोड़ा बैटर पाद्या बिखरदा तो फिर थोड़ा जहा कोई दो चम्मच आटा होर पा लो। इन्हें पूरा आप गोल्डन ब्राउन होने तक पकावांगे। ये थोड़े डार्क कलर दे विच ही हुंदे आ, लाइट दे विच नहीं हुंदे गे। जिवें जिवें पांदे जाणगे एक साइड ते कढ़ लांगे। इसी तरह फिर आपां एक बारी कौली दे विचों पानी वाला हाथ लावांगे। पानी वाले हाथ तां लाउण तों मतलब यह हुंदा वी इहदा जिहड़ा बैटर है जिहड़ा छेती छुट जांदा हाथ नालों। पहले पूर्वारी फिर भी बदो बदी अग ज्यादा हो गई सीगी गैस की फ्लेम, इस वेले बिलकुल ही स्लो गैस से बनाई है। जेडे वधिया पक भी गए, बाहरों भी पक गए और अंदरों भी पक गए हैं। इसे तरह ही आप सारे बना लांगे। लास्ट पूर भी आप कढ़ लिया, जेडे अपने बन के गुलगुले अपने कोले रेडी है। लो जी गुलगुले बन के अपने कोले रेडी है। मौसम भी बरसात का बहुत वधिया, ता जेडे गुलगुले बने भी बहुत वधिया। बाहरों क्रिस्पी है, अंदरों बिलकुल फ्लफी है, बहुत वधिया। इस बरसात के मौसम विच तुसी आप भी बनाना, अपनी फैमिली नू खिलाना। अगर मेरी तुहानू अज दी वीडियो पसंद आउंदी है तां इहनू शेयर करना, लाइक करना, सबसक्राइब करना मेरे चैनल नू और घंटी वाला बटन जरूर प्रेस कर लेना ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन तुहाडे तक जल्दी पहुंच सके। मेरी सारी वीडियो वेखण लई तुहाडा बहुत बहुत थैंक यू।